नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे होंगे। समाज में तो वैसे ही हो गया डिस्टेंस, वो तो देश की मीडिया ने और देश की राजनीति ने तो वैसे ही कर दिया था एक तरह से डिस्टेंस, मगर अब तो ये क्या टेक्निकल डिस्टेंस रखना जरूरी है। मेरा छोटा सा लाइव होगा, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं अमेरिका में बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, दिल खोल के पैसा दे रहे हैं, दिल खोल के। बड़े बड़े प्लेयर्स, यू नो, NBA के, NFL के, बड़े बड़े गेम्स के प्लेयर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों रुपया दे रहे हैं। हो सकता है सरकार के टक्कर का दे दे। अपने भारत में ये बच्चन्स, कपूर्स, खान्स, तेंदुलकर्स, विराट्स, ये सब कहाँ है? ये स्टेडियम में आप जाते हो, वो एक छक्का मारता है, आप लोग सब उछलते हो। एक फिल्म आती है किसी की, वो अपने हाथ चौड़े कर देता है और आप लोग सीटियां बजाते हो। क्या आप लोग इसी काम के लिए रखे गए हो क्या देश में? एक मामूली जनता जो होती है, जिनको आज मैं मामूली जनता बोलता हूँ, क्या आप लोग मामूली, वाकई में मामूली हो क्या? इन लोगों ने सब पैसा आपसे कमाया है। ये अदानीज हैं, अंबानी, ये अडानी हैं। ये अडानी हीरे बाजार में एक दलाल हुआ करता था 1990 के दशक में, ठीक है, मैं जानता हूँ वो। अब ये लाखों करोड़ों रुपया, एक तो लिस्ट भी निकली थी, आप लोगों ने निकाली थी लिस्ट भाई सोशल मीडिया पे, इतने लाखों करोड़ों रुपया इन लोगों को देना है NPA में। ये पैसा भी हजम कर गए। अब जब पैसा देने की बारी आई, ये पैसा भी नहीं देते। कोई समाज में इन लोगों की वापस से देनदारी है ही नहीं, समाज से लेना लेना है। ये जितने नेता हैं आप लोगों के, ये सारे नेता जो आज की तारीख में कहीं तो 25,000 करोड़ के, इकाई दिहाई सैकड़ा लगाना पड़े ना तो देश की 90% जनता को कैलकुलेटर में काउंट करना पड़ेगा, 0, 100, 10,000, वो एक साथ नहीं कर पाएगी, 1 करोड़ रुपये नहीं लिख सकती। तो ये आप लोग सोचिए, ये आप लोगों को बार बार ही आपकी औकात दिखाते हैं कि तुम लोगों की औकात सिर्फ एक मामूली लोग हो तुम। आज की तारीख में पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में एक तरह से बवाल आया हुआ है, मगर इन लोगों के जूनी रेंगरी कुछ नहीं। ये सलमान भाई पतंग उड़ाएंगे, उड़ाओ जी पतंग। प्रियंका चोपड़ा जी, शाहरुख खान जी, अक्षय कुमार जी, अनुपम खेर जी, ये अदानी, ये अंबानी, ये रुइयास, ये टाटा, ये बिरला, कहाँ है ये? किसके उद्योगपति है ये? अपने भारत के उद्योगपति हैं या पाकिस्तान के हैं जो पैसा नहीं दे रहे? टैक्स चोर ये, बैंकों से पैसा इन्होंने चुराया ना? और मजे की बात मैं आप लोगों को सबसे बड़ी बताता हूँ, इसमें से 20% जो ऊपर बैठे ना, मैं तो एक बात कहता रहा हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो देखना, कि ऊपर के जो 20% है उनको कोई परवाह नहीं है और जो नीचे के 20% है वो हार गए। जो बीच के 60% है ना, वो आपस में गुतबाजी में लगे रहते हैं। कोई हिंदू मुसलमान में लगा है, कोई किसी का घर जल रहा है तो खुश है, कोई किसी का घर जला के खुश है, कोई किसी को मारने से खुश है, किसी को मरवाने से खुश है। ये पूरी कहानी भारत की, पूरी कहानी उसमें सिमट जाती है। अब आप ये देखिए, इनमें से इनके बच्चे जो हैं, वो तो सब, चलो मैं कई बार बोल चुका हूँ, अमेरिका अमेरिका पढ़ रहे हैं वो तो, एक 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 किसी की पढ़ाई में 60 लाख रुपया सर खर्च हो रहा है, किसी के 35 लाख, किसी के 1 करोड़। नेताओं के बच्चे सब अमेरिका में पढ़ रहे हैं, सब मैं कहता रहा हूँ। और इसमें जो सबसे सबसे मजे की बात ये है कि जो 60% लोग वोट देते हैं उनकी आज कोई कदर ही नहीं है। कदर किसकी है मालूम है आपको? जो दिल्ली चलाता है। और दिल्ली कौन चलाते हैं? आपका वोट सेना चलाता है दिल्ली, वो तो पैसे वाले दिल्ली चलाते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो जब पैसे वाले दिल्ली चलाते हैं तो दिल्ली उनकी मानेगी। भाई दिल्ली में इनकी बिल्लियां पड़ी हुई हैं, आपकी बिल्ली कहाँ है? आपकी बिल्ली तो कोई खा गया, आपकी बिल्ली बिल्ली कुछ नहीं है। आप लोग हिंदू मुसलमान में लड़ते रहो, हम मंदिर बनाएंगे, हम मस्जिद बनाएंगे, अल्लाह सबसे बड़े हैं, नहीं श्री राम सबसे बड़े हैं। भाई आज की तारीख में बता देता हूँ, वो सब अल्लाह और भगवान ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया एक साथ, तुम सब बराबर हो उनके लिए, कोई अलग नहीं है। तुम लोगों ने ठप्पे लगा रखे हैं अपने अपने यार, ऊपर से तो इंसान पैदा किया उन्होंने, और यहाँ पे आके कोई मुसलमान घर में पैदा हुआ तो मुसलमान हो गया, कोई सिख बन गया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं ये। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, ये मिलेनियम है, शताब्दी के महानायक, द गॉड ऑफ क्रिकेट, शताब्दी के महानायक और गॉड ऑफ क्रिकेट, ये दोनों अपने देश में है, मगर ये दोनों लापता हैं।
इनको ढूंढो। और मजे की बात मालूम है क्या है, जब सल्लू मियां अपने घर की बालकनी में आते हैं, अभी तो कल तो आपको बालकनी में टन टन करना है और जो भी करना है वो करना है, आप लोग उसी के लिए आप लोगों को रखा गया है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि उनके अंधभक्त कितने हैं। वो आवाज आएगी ना, उनको समझ में आ जाएगा अंधभक्त कितने हैं। ये सलमान भाई, या ये सलमान भाई जब अपनी बालकनी में आते हैं, ये नीचे खड़े होकर मुसलमान जितने ये पगला के जाते हैं कि सल्लू भाई सल्लू भाई सल्लू भाई सल्लू भाई, साइकिल से निकलते हैं तो उनके पीछे लग जाते हैं। बच्चन साहब आते हैं हर रविवार को देव दर्शन देने के लिए, हाथ जोड़ते हैं, हजारों की भीड़ जुहू में मैंने देखी है। ये पागलपन के दौर है, और ये पागलपन की एक तरह से होती है निशानियां। अमेरिका में कोई एक्टर खड़ा भी होता है ना, उसकी तरफ आदमी देखता भी नहीं। बेवरली हिल्स चले जाओ, ठीक है, ट्रायबैका चले जाओ न्यूयॉर्क में, अमिताभ बच्चन से 10 गुना बड़े अमीर एक्टर वहां बैठ के कॉफी पीते हैं, कोई पूछता भी नहीं। बड़े बड़े प्लेयर यहां घूमते फिर जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं। आप लोगों को एक हीन भावना है, जो अंग्रेज छोड़ गए थे ना हीन भावना, वो इन लोगों ने ऊपर वालों ने पकड़ ली और आपके तक उन्होंने सीमित रखी। तो ये हीन भावना से जो ग्रस्त होते हैं ना लोग, ये भागते हैं, सेल्फियां लेने नहीं भागते आप लोग। कोई एक्टर दिख जाए, अरे एक्टर एक्टर ऋतिक ऋतिक भागो 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 ऋतिक आ गया। ये आप लोगों में हीन भावना जो क्रिएट कर रखी है ना, मैं इस हीन भावना को आप लोगों से निकालने की कोशिश करता रहता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है आप हिंदू हो मुसलमान हो, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। आप तिलक लगाओ टोपी लगाओ जो लगाना लगाओ, मेरी तरफ से मेरे हिसाब से आप इंसान हो, उसी तरह भावनाएं हैं आपकी, उसी तरह खाते हो, उसी तरह रोते हो, उसी तरह पैदा हुए जैसे मैं हूं। मैं सीधी सीधी कहानी समझता हूं। ये आप लोगों ने जो एक बवाल क्रिएट कर रखा है ना, ये आप लोगों को दबाया जाता है और दबाते रहेंगे, ये दबाते रहेंगे। मुझे वो लिस्ट बताओ नीचे, कितना करोड़ रुपया इन लोगों ने, ये टॉप 10 जो बैठे हैं आज की तारीख में, उद्योगपति या फिल्म एक्टर या ये क्रिकेट के प्लेयर्स या जो भी हैं, ये टॉप 10 बताओ इन्हें टोटल पैसा कितना दिया है। मैं पूरे का टोटल ना एक ही आदमी के टोटल से हरा दूंगा अमेरिका में, एक ही आदमी के टोटल से। ये भी मेहनत करते हैं, इनके थे ना कोई लॉटरियां खुलती है, ये भी खेलते हैं, ये भी व्यायाम करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये भी मेहनत करते हैं, इनका थे ना फोकट का पैसा है, इनके थे ना लॉटरियां निकली है। और ये लोग भी बड़े निम्न परिवारों से निकले हुए हैं। आज जो ये फेसबुक का मालिक है ना मार्क जकरबर्ग, ये बहुत गरीब परिवार का था। बिल गेट्स हैं, बहुत गरीब परिवार के थे, सब गरीब परिवार के हैं। मगर इनके बच्चे हैं तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए और सोने की चम्मच लेके मरेंगे। आपके बच्चों के लिए क्या, टन 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 टन, बस हो गई कहानी खत्म। भैया थोड़ा रियलाइज करो अपने बारे में और चिंतन करो अपने फ्यूचर के बारे में, बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम लोग एक तरह से इस्तेमाल करने वाली जनता हो, जिसको मैं रेजगारी बोलता हूं। रेजगारी जैसे चार चवन्नियां इकट्ठी करनी पड़ती है ना रुपया बनाने के लिए, वैसे तुम चार चवन्नियां बन के रह गए हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार चवन्नियां हैं, जिससे रुपया चलता है किसका, राजनीति का। बड़ी सीधी सीधी कहानी है, अब समझ में आ जाए तो ठीक है। या तो चारों चवन्नियां जुड़ जाओ आपस में और अपना रुपया बना लो। अगर अलग अलग रहोगे तो तुम्हारी चवन्नियां ये उछालते रहेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूं और आगे 5 साल की गारंटी देता हूं इस बात की, अगर किसी को भी, तुम लोग कोई भी अंधभक्त हो, चाहे किसी भी धर्म के अंधभक्त हो या किसी इंसान के अंधभक्त हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अब जैसे मुझे कई लोग बोलते हैं कई बारी कि अभी भाई हम आपके फैन हैं, मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूं कि भैया फैन 3 चीजों के रहो, अपने माँ बाप के, ठीक है, अपने ग्रंथ कुरान गीता उसके, और अपने शिक्षकों के। बाकी किसी के फैन बनने की जरूरत नहीं है, ये हीन भावना होती है, ये हीन भावना होती है। मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, अंग्रेजों ने एक वर्ड दिया था सर, ये सर जो वर्ड है ना, ये जितनी कॉमनवेल्थ कंट्री है जहां जहां अंग्रेजों ने राज किया है वहां पे सर वर्ड चलता है, अमेरिका में नहीं चलता। अमेरिका में छोटा बच्चा भी अपने टीचर को उसके नाम से बुलाता है, क्योंकि उसका नाम है, सर नहीं है। वो हीन भावना से ग्रस्त नहीं करता है किसी भी बच्चे को ना। मेरे को 5 साल का बच्चा आके नाम से बुलाता है मिस्टर डांडिया। यहां कोई अंकल नहीं बनाता किसी को, कोई चाचा नहीं बनाता। अपने देश में क्या है, चाचा जान, मामू जान, चाचा जी, बुआ जी। अब जैसे मायावती को बुआ जी बोलते हैं।